अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कनीज डिज़ाइनर। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आज आप लोग को हम बताएंगे बेबी बेड शीट में गोटा पट्टी लगाना। तो बहुत ही आसान तरीके से हम बताने वाले हैं और बहुत ही सिंपल है, आप लोग बहुत ही आसानी से लगा पाएंगे। आप लोग चाहें तो सिंगल डबल बेबी बेड शीट जिसमें भी लगाना चाहते हैं आप इस तरीके से लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिएगा, आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो देखने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को आल पे प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग देख सकें हमारी हर नई वीडियो। तो चलिए दोस्तों, हम आप लोग को बताते हैं कि किस तरह से आपको लगाना है। हमने पट्टी जो है पहले कट कर लिया है, तो यहाँ पर इसकी हम चौड़ाई दिखा दे रहे हैं। हमने इसे लिया है 3.5 इंच का और लंबाई आपको अपने बेडशीट के हिसाब से रखना होगा, क्योंकि हम व्हाइट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी जो बेबी बेडशीट है उसमें व्हाइट का फ्लावर बना हुआ है, तो हम व्हाइट का ही गोटा पट्टी इसमें लगाएंगे। आप लोग अपने बेडशीट में जिस कलर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये उल्टी साइड है और हमारी ये पिंक वाली सीधी साइड है, तो हम उल्टी साइड से ही गोटा पट्टी को लगाना चालू करेंगे। तो उल्टी साइड से हम लगाएंगे, तो यहाँ पे पहले हम आपको निशान लगा दे रहे हैं यहाँ पे, तो आपको 1.5 इंच पे दोनों तरफ से निशान लगाना है। हमें वहीं से सिलाई को शुरू करना है, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे दोनों तरफ से कि हमें अंदाज हो कि हम यहाँ से सिलाई को शुरू करेंगे। यहाँ से 1.5 इंच पे हम निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो पट्टी है गोटा पट्टी वाली उसे हम लेंगे और यहाँ पे इसकी किनारी जो पहले हम कट कर देंगे यहाँ पे, और कट करने के बाद इसका हम कॉर्नर बनाएंगे। तो कॉर्नर देख पा रहे होंगे आप लोग, इस तरह से हम मोड़ देंगे और यहाँ पे तिरछे में यहाँ पे इस तरह से हम कट कर देंगे। तो इस तरह से देखिए हमारा कॉर्नर बन जाएगा, कॉर्नर बन जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे हमने इस पीस को वैसे कट कर लिया है, फिर आगे हम आपको दिखाएंगे कि इस तरह से आपको गोटा मतलब कॉर्नर बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहीं पे हम कपड़े को रखेंगे और यहाँ पे ऊपर की साइड में भी हमारा जो है सिलाई के लिए दबने के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि हम सिलाई करेंगे यहाँ पे, तो दोनों पीसेस को ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा दूर से सिलाई शुरू करेंगे क्योंकि हम जब यहाँ से इस वाले पीस को लाएंगे तो दोनों जोड़ने में आसानी हो, अगर हम शुरू से सिलाई कर देंगे तो जुड़ने में दिक्कत होगा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा छोड़ के ही सिलाई को लेंगे, मतलब थोड़ा दूर से हमें सिलाई करना है। तो यहाँ से हम रखेंगे, उसके बाद आगे सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमें आराम आराम से आपको बराबर से गोटा पट्टी को लगाना है और कपड़े को अच्छे से रखते जाना है। और यहाँ पे जब हम नीचे की साइड में आएंगे तो हम थोड़ा दूर पहले ही मशीन को बाहर निकाल देंगे, सिलाई को कट कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ पे कपड़े को काट देंगे आधा इंच एक्स्ट्रा करके, क्योंकि आधा इंच एक्स्ट्रा करके इसलिए हम कट करेंगे क्योंकि हमें सिलाई में जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आधा इंच देखिए हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पर, और उसके बाद हम यहाँ पे एक कॉर्नर बनाएंगे, इसको डबल फोल्ड करेंगे और फिर इसके बाद देखिए इस तरह से हम कॉर्नर बना लेंगे, मोड़ देंगे और यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कॉर्नर बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, दूसरी वाली पट्टी को लेंगे और यहाँ पे इसकी किनारी कटने के बाद इसके भी कॉर्नर को हम बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से डबल करेंगे और यहाँ से हम मोड़ देंगे और मोड़ने के बाद यहाँ पे इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से हमारी कॉर्नर यहाँ भी बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पीसेस को हम ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक कॉर्नर बना के आप लोग को दिखाएंगे और आखिरी वाला भी आपको दिखाएंगे, तो आप लोग देखिएगा। और यहाँ पे हम आधा इंच छोड़ के सिलाई लेंगे, यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे, आधा इंच पहले ही हम सिलाई को निकाल देंगे। तो दोनों तरफ हमें आधा आधा इंच सिलाई करके लॉक करना है देखिए यहाँ पे, क्योंकि सिलाई करते समय जब हम पट्टी को लगाएंगे तो बहुत अच्छे से हमारी बहुत आसानी से कपड़े मुड़ भी जाएंगे और गोटा लग भी जाएगा और हमारा कॉर्नर भी अच्छे से बन जाएगा। तो हमें लास्ट तक सिलाई को नहीं निकालना है, पहले ही आधा इंच पहले ही हमें लॉक कर देना है। तो इस तरह से हमारी जो सिलाई है हो जाएगी और यहाँ पे हम कॉर्नर आप लोग को दिखा दें, इस तरह से हमारा बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा कॉर्नर दिखेगा, बहुत ही अच्छे से हमारा कॉर्नर बन जाएगा बहुत ही आसानी से। तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं और हमारी वीडियो को देखते रहिए, आप लोग को सब कुछ समझ में आएगा। बहुत आसानी से आप लोग गोटा लगा सकते हैं किसी भी चीज़ में लगाना चाहते हैं। तो फिर से हम सिलाई चालू करेंगे, फिर आगे आएंगे। तो यहाँ पे जब हमारी जो ज्वाइंट है दोनों पट्टी की उसे हम फैला देंगे दोनों तरफ और बीचों बीच में हम सिलाई लाकर छोड़ेंगे और मशीन को घुमा देंगे। तो यहाँ पे बीचों बीच में लाने से क्या होता है, बहुत ही अच्छे से हमारे पीसेस जो हैं हम घूम जाएगी पट्टी और अच्छे से सिलाई हमारी अच्छे से दिखेगी। तो यहाँ पर हम सिलाई करते हुए आगे आएँगे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम आपको बता दें कि हमने जो है यहाँ पे कॉर्नर आपको दिखाया, इस तरह से हम पलटी करेंगे तो हमारा ऐसे आगे की साइड से आएगा और इस तरह से हमें मोड़ के सिलाई करना। तो यहाँ पे देखिए कॉर्नर हमारा इस तरह से दिख रहा है आप लोग को, तो बहुत ही अच्छे से कॉर्नर हमारा बना हुआ है। तो यहाँ पे हमने एक कॉर्नर दिखाया आप लोग को और हम दो कॉर्नर बना लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों कॉर्नर बनाने के बाद हम आखिरी वाला कॉर्नर आपको दिखाएंगे, क्योंकि हम आखिरी वाला इस तरह से दिखाएंगे इसलिए कि मतलब जो हमारे पीसेस हैं आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं आखिर में आकर के। तो यहाँ पे हमने पूरा लगा लिया है 3 कॉर्नर में
अभी एक कॉर्नर हमारा बाकी है आखिरी वाला, तो आखिरी वाले में हम सिलाई करते हुए आएंगे और यहाँ पे थोड़ा दूर पहले ही हम यहाँ पे भी सिलाई को बाहर निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम आधा इंच कपड़ा छोड़ के कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हम आधा इंच कपड़ा छोड़ के कटिंग कर लेंगे। आप देख लें अच्छे से कि हमारा सही है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम इसे भी फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसे भी कॉर्नर में उसी तरह से हम कट करेंगे। तो इस तरह से हमारा कटिंग हो जाएगा। और उसके बाद ये वाला पीस हम लेंगे जो पहले वाली हमारी पीस है, और दोनों को हम पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद उसी तरह से हमें सिलाई करना है, आधा इंच दोनों तरफ छोड़ते हुए लॉक करते हुए हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे रखेंगे और लॉक करेंगे मशीन को, यानी कि आपको दोनों तरफ से आधा इंच छोड़ना है, उसके बाद ही कॉर्नर को बनाना है। जिस तरह से हमारे कॉर्नर की कटिंग होती है उसी तरह ही आपको सिलाई लेने हैं। तो बहुत ही अच्छे से हमारी कॉर्नर बन जाएगी। और आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो और भी गोटा पट्टी देखने को मिलेगा वहाँ। हमारे चैनल पे बहुत सारे गोटा पट्टी डले हुए हैं, आप लोग देख पाएंगे और बना पाएंगे। उसके बाद हम सिलाई को चालू करेंगे जहाँ से हमने निकाला। उसके बाद आएंगे यहाँ पे कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे इस लास्ट वाले भी कॉर्नर पे आपको ये ध्यान देना है कि आपको दोनों पट्टी को सही करना है, यानी कि अब देख लें कि हमारा कोई लूज ना रहे। दोनों पट्टी जहाँ पे हमारा आ रहा है, देखिए इस साइड से भी हमें देखना है अच्छे से। इस साइड से अभी हम इसको अच्छे से रख लेंगे और इस साइड से उसके बाद हम कपड़े को अच्छे से पकड़ लेंगे। दोनों साइड से आपको देख कर ही यहाँ पे आना है, बीचों बीच से हमें सिलाई घुमाना है। यहाँ पे ज्वाइंट की जो कपड़े होती हैं हम दोनों तरफ रखेंगे और उसके बाद बीच में हमारा जगह आ जाएगा, तो हम सिलाई अच्छे से लगा पाएंगे। तो यहाँ पर हमारी जो सिलाई है हो चुकी है, हमने गोटा पट्टी लगा लिया है। उसके बाद हम सभी कॉर्नर को सीधा कर लेंगे। आप किसी चीज़ से कॉर्नर को बाहर निकाल सकते हैं अच्छे से। तो हम सभी कॉर्नर को, चारों कॉर्नर को अच्छे से बाहर निकालेंगे कि हमारी सिलाई करते हुए अच्छे से दिखे। तो हम आराम आराम से सभी कॉर्नर को, आप किसी भी चीज़ से मतलब नोखीले चीज़ से आपको कॉर्नर को बाहर निकाल सकते हैं। तो हम बारी बारी से सभी कॉर्नर को निकालेंगे और उसके बाद हम इसकी सिलाई करेंगे। तो कॉर्नर निकालेंगे तो अच्छे से हमारा सिलते वक्त आएगा। सिलने से पहले ही आपको कॉर्नर को बाहर निकालना है, नहीं तो अच्छे से नहीं निकल पाएगा। और आप पहले कर लेंगे तो सही रहेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप, हम बेबी बेड शीट में आप लोग को दिखा रहे हैं, तो हम बेबी बेड शीट का डिज़ाइन भी आप लोग को दिखाएंगे कैसी हमारी डिज़ाइन की गई है बेबी बेड शीट में। इस तरह से आप लोग बिस्तर में भी, बड़े बिस्तर में, सिंगल में, डबल में, जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो सभी कॉर्नर को हमने बाहर निकाला और यहाँ पे जो हमारी सिलाई है देख पा रहे होंगे आप लोग, सिलाई के बाहर ही हमको मतलब सिलाई करना है, अंदर नहीं जाना है, क्योंकि हमारी धागा जो है, मतलब जो धागा है बस दिखना नहीं चाहिए। और यहाँ पे जो भी कपड़ा हमारा है आधा इंच मोड़ते हुए हम सिलाई करते हुए अब सभी चारों तरफ हम सिलाई कर लेंगे और हमारी गोटा जो है तैयार हो जाएगा। तो सिलाई आपको दिखाना नहीं है, यानी कि जो हमने पहले सिलाई लिया है उसे आपको नहीं दिखाना है। और हमें ऐसे अंदर रखते हुए सिलाई को हम कपड़े को अच्छे से पकड़ेंगे। और आपको यहाँ पे जो भी गोटा पट्टी लगाएं, कपड़े को बिल्कुल भी अपने तरफ ना खींचें, आप बिस्तर को खींचें, यानी कि बिस्तर एक उंगली से आसानी से खींचें और कपड़े को लूज रखें, नहीं तो आप खिंचाव करेंगे तो आपकी गोटा पट्टी नहीं अच्छी दिखेगी। तो यहाँ पे हमने कॉर्नर पे आ गए, इस तरह से मशीन को घुमाएंगे और ऐसे आराम आराम से हम सिलाई करेंगे। आपको बस कपड़ा खिंचाव नहीं करना, खींचना नहीं है कपड़े को, अच्छे से लगाना है आपको। तो यहाँ पे हमने यहाँ दिखाया आप लोग को किस तरह से आपको लगाना है, यहाँ पे भी हमने दिखाया आपको और आखिर में हम आपको यहाँ दिखाएंगे। तो इस तरह से हम सभी कॉर्नर को सिल लेंगे, यानी कि जितना भी हमारी ये पीस है हम सिल लेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहेंगे हमने यहाँ पे सभी कॉर्नर को सिल लिया। तीन कॉर्नर हमारा हो गया रेडी। यहाँ पे देखिए इस तरह से तीन कॉर्नर हमारा रेडी हो गया। अब यहाँ पे आखिरी कॉर्नर पे आए हुए हैं यहाँ पे। तो इस तरह से मोड़ते हुए हम अच्छे से कॉर्नर तक आ जाएंगे, देख पा रहे होंगे आप लोग। बहुत ही आसान है, आप लोग लगा पाएंगे, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप चाहें तो पहले बेबी बेड शीट भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारी सभी कॉर्नर बन चुकी है, हमारी गोटा पट्टी हमारी बेड शीट में लग चुकी है। तो आप लोग को भी समझ में आया होगा किस तरह से हमने गोटा पट्टी लगाना बताया, आप लोग को समझ आया होगा। आप लोग अच्छे से आप लगा सकते हैं बिस्तर में आप चाहें तो। तो चलिए हम आपको पूरा बेबी बेड शीट दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप हमारी बेबी बेडशीट देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से हमने जो अंदर का डिज़ाइन है हुआ है हमारे बेडशीट के अंदर, बेबी बेडशीट के, तो इस तरह से डिज़ाइन हुआ है। जो डिज़ाइन हुआ है वो कपड़े का ही है, कपड़े का कटिंग करके उस पर तुरपाई किया हुआ है। और आप लोग गोटा पट्टी हमारा देख सकते हैं, इस तरह से हमारा गोटा पट्टी लगा हुआ है, देख पा रहे होंगे। बहुत ही सुंदर लग रही है, मैच हो रही है हमारे डिज़ाइन पे। तो हमारा डिज़ाइन जो है फ्लावर जिसमें है वाइट कलर का है, तो हमने वाइट कलर का ही गोटा पट्टी लगाया। आप चाहें तो अपने पसंद का कोई भी कलर से गोटा पट्टी लगा सकते हैं, आपकी जैसी बेडशीट हो तो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल दिखाया आप लोग को। और हमारा जो कॉर्नर वाली जो गोटा पट्टी होती है वो हमारे चैनल पर डले हुए हैं, आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर देख सकते हैं।
और लगा सकते हैं अपने बिस्तर में। हमने चैनल पर जाएँ बहुत सारा आपको गोटा पट्टी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारी बेडशीट भी आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारी बनी हुई है और गोटा पट्टी भी बहुत अच्छे से इसमें लग गई है। तो आप लोग भी लगा सकते हैं और बना सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आप पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक रखें हमें दुआ में याद, अपना और अपनों का रखें खूब ज़्यादा ख्याल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय।